हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है कहानीकार प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में काशी के समीप लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम अजायब राय था। वे अपनी कहानियां उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। अपने संघर्षपूर्ण जीवन में उन्होंने अनेक उतार चढ़ाव का सामना किया और इसी से उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो है वो साहित्य की साधना में समर्पित कर दिया। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार हैं। सुधारवाद उनकी कहानियों का मूल स्वर है। उनकी कहानियों में 1907 से लेकर 1936 तक हिंदी प्रदेशीय जनजीवन की प्रगति का संवेदनशील इतिहास परिलक्षित होता है। प्रेमचंद के अनुसार जिस देश की 80% जनसंख्या गाँव में वास करती हो, उस देश के साहित्य में ग्राम्य जीवन की प्रधानता होना स्वाभाविक है। प्रेमचंद की रचनाओं का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। उन्होंने माधुरी एवं मर्यादा नामक पत्रिकाओं का भी संपादन किया तथा हंस एवं जागरण नामक पत्र भी निकाले। उनकी रचनाएँ आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हैं, जिसमें सामान्य जीवन की वास्तविकताओं का सम्यक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। समाज सुधार तथा राष्ट्रीयता उनकी रचनाओं के प्रमुख विषय हैं। प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला है, सेवा सदन है, रंगभूमि है, गबन है, गोदान इत्यादि। इनकी कहानियों का विशाल संग्रह 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित है। इसमें लगभग 300 कहानियाँ हैं, जिसमें सप्त सरोज, नवनिधि, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम प्रमोद, शांति, प्रेरणा, कफन और शेष रचनाएं, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां आदि कहानी संग्रह। उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद के अपार योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद ने उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि से भी संबोधित किया था। प्रेमचंद की मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई थी। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम प्रेमचंद की कहानी सभ्यता का रहस्य के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।